नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उन्नत किसान में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पायोनियर की 45S46 सरसों की वैरायटी के बारे में। इस वैरायटी को बहुत सारे किसान भाई लगाते हैं, लेकिन इस वैरायटी की कौन कौन सी खासियत है, क्यों इस वैरायटी को इतने ज़्यादा किसान भाई पसंद करते हैं, आगे इस वीडियो में हम इस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपको इस वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप भी इस वैरायटी से अवगत हो जाएं और इस साल अच्छी वैरायटी का चयन करके अच्छी पैदावार ले सकें। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले आप नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारी देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, बात करते हैं सरसों के बारे में। तो जैसा कि सितंबर महीना चल रहा है और बहुत जल्द सरसों की बुआई करना किसान भाई शुरू कर देंगे, ऐसे में किसान भाइयों को एक सही वैरायटी का चयन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक सही वैरायटी का चयन करते हैं तो आपको पैदावार भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। हम इस वीडियो में किसी कंपनी या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहे हैं, यह जानकारी केवल और केवल किसान भाइयों के लिए दे रहे हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें पायोनियर की 45S46 सरसों के बारे में, तो यह जो वैरायटी है इस टाइम पर सबसे टॉप नंबर की वैरायटी है। यह सूखे के प्रति भी सहनशील है और कम तापमान में भी अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। इस वैरायटी का जो पौधा रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फुटान रहती है और तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा इस वैरायटी में पाई जाती है। इस वजह से इसका दाना बड़ा काले रंग का होता है, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है और दाना वजनदार होता है। इसी के परिणाम स्वरूप पैदावार ज़्यादा निकलती है। यह जो वैरायटी है, यह वैरायटी 125 से 130 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। और अगर पैदावार की बात करें तो पैदावार 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी की पैदावार निकल जाती है। तो आप इस बार कौन सी सरसों की वैरायटी लगाना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप 45S46 सरसों लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी वैरायटी यह है, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ मिल जाएगी जिनकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एडवांटा की जो 404 सरसों आती है, इसके अलावा दानिया की MJ1 सरसों, बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनकी पैदावार काफ़ी अच्छी निकलती है और बहुत ज़्यादा बढ़िया वैरायटियाँ मार्केट में आपको मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वैरायटी को ही लगाएं, इसके अलावा आप अन्य वैरायटी भी लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।